बरेली से आए मेहमान, बरेली टू कानपुर, भाभी जी का मोहल्ला, ठुमके पे ठुमका। अरे चखलो भाई बरेली की बर्फी। भाभी जी घर पर हैं? ये पूछता हुआ आया है बाइक पर एक डैशिंग नौजवान, और ये जनाब आए हैं सीधे बरेली से। और देखिए टक्कर हो गई विभूति जी से। अब बरेली वाले इस कनपुरिया की प्रॉब्लम में उलझ गए। आज हम ढूंढ रहे हैं प्रीतम विद्रोही को। क्योंकि ऑफ कोर्स बिट्टी मिश्रा प्रीतम विद्रोही से बात करना चाहती हैं, पर चिराग दुबे चाहते हैं कि प्रीतम विद्रोही से मिले, उसे रिजेक्ट कर दे, लेकिन प्रीतम विद्रोही नहीं मिल रहा है। प्रीतम विद्रोही जो है वो एक्चुअली मेलबर्न में है। हम गलत जगह पे आ गए हैं ढूंढने के लिए, लेकिन हमें बाद में पता चलता है। ये कानपुर है, कानपुर की मॉडर्न कॉलोनी है और ये यहाँ के वासी हैं। सारी कहानी पूछ लेंगे आप लोगों से, अमल करेंगे। लो भाई बिट्टी भी आ गई। बिट्टी तो भाभी जी की तरह ही एकदम सुंदर है। वो क्या कहते हैं तिवारी जी के अंदाज में, एकदम मक्खन मलाई जैसी। अब ये ऐसी हो क्यों ना, अब इनका ऐसा होना तो लाजमी है भाई। हैं किसकी सहेली? अनीता भाभी की सहेली है ये। बिट्टी जो है मेरी बहुत अच्छी सहेली है, और वो उसने एक सरप्राइज विजिट दिया, और उसने ये भी बताया कि बरेली में बहुत चर्चे हैं मेरे हस्बैंड की। और ये मैं कहना चाहूंगी कि ये कानपुर आके काफी मॉडर्न हो गए हैं। हाँ नहीं, ये मॉडर्न आई थी कानपुर, मॉडर्न ही आई थी। ये कॉलोनी का नाम मॉडर्न है, इसलिए शायद मॉडर्न हो गए। काफी देसी हैं, हमारी फिल्म बरेली की बर्फी की तरह। अब घर साली आई है तो घर वाली की कुछ प्रॉब्लम तो आज सुलझेगी ही। हम भी तो मिले यहाँ पे, हमारी गिनती नहीं है क्या? भाई साहब एक्सक्यूज मी, मैं काउंट में आउट, प्लीज जलील कर दो भाई साहब, मत बोलो। अब बरेली वाले आए हैं और बर्फी साथ लाए हैं तो मिठास तो बटेगी ही, तो थोड़ा सा नाच गाना भी हो जाए। हमको तो डांस में ही बहुत बहुत मजा आ गया लड्डू के भैया के साथ। किसके साथ? फिल्म प्रमोशन तो होता ही रहेगा, और जरा भाभियों का जोश तो देखिए। फिल्म और इनका हुक स्टेप बेचे, पता नहीं हमने कितनी कोशिश तो बहुत हुई। नहीं नहीं बहुत अच्छा किया, और उसके बाद हम अपने देसी स्टेप्स पे आ गए थे। तो अच्छी बात यह है कि लड्डू के भैया, बरेली की बर्फी, अच्छी मिठास यहाँ पर एक साथ हुई, बरेली की बर्फी और मॉडर्न कॉलोनी के लोग। घर आए मेहमानों का कैसे दिल खोल के स्वागत किया जा रहा है, लेकिन हाँ ज्यादा मिठाई मत खाइएगा, ज्यादा मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। क्यों भाभी जी, सही पकड़े है ना? आज तक ब्यूरो।